हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बता दें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी से T20 सीरीज खेली जाएगी। इस T20 सीरीज के लिए एक बार फिर कप्तान बदल दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया इस समय ODI सीरीज खेल रही है, जबकि इंडिया ODI सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। सीरीज के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत और की तरफ खेलेगी T20 के लिए। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों टीम का ऐलान कर दिया है और भारत के लिए खिलाफ T20 सीरीज में टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में नहीं होगी। उन्हें इस सीरीज में आराम दिया गया है। उनकी जगह मिचेल सेंट्रल को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। दोनों टीमों के बीच 27 जनवरी से T20 सीरीज शुरुआत होनी है। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि इस तेज गेंदबाजी को भी नहीं मिला है जगह। भारत दौरे पर केन विलियमसन के अलावा दिग्गज तेज गेंदबाज टीम साउथी भी नहीं आएंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे के साथ साथ T20 सीरीज में भी आराम दिया गया है। टीम साउथी हाल ही में न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के कप्तान भी बनाए गए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया कि वनडे सीरीज के लिए टॉम लॉथम को कप्तान बनाया गया था, जबकि सेंटर को T20 का कप्तान बनाया गया। वहीं फ्रेंड्स शेड्यूल की बात करें तो 27 जनवरी को पहला T20 जो कि रांची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा T20 29 जनवरी को लखनऊ में और तीसरा और अंतिम जो कि 1 फरवरी को तीसरा T20 अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फ्रेंड्स एक बार न्यूजीलैंड की फाइनल स्क्वाड T20 के लिए बात कर तो मिचेल सेंट्रल कप्तान, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेन क्लीवर, डोवेन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, बेन लिस्टर, डेरियल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रिपन, हेनरी सिपली, ईसा सोडी और ब्लेयर टिकनर हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करें तो इंडिया की तो चेतन शर्मा की वाली BCCI की नई सीनियर चयन समिति ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए भारत टीम का ऐलान कर दिया। जबकि फ्रेंड्स आप बात करें तो हाल ही में असम के खिलाफ रणजी में 13 शतक जड़ने वाले पृथ्वी शॉ को T20 में जगह मिली है। केएल राहुल और अक्षर पटेल दोनों वनडे और T20 सीरीज के लिए हिस्सा नहीं थे। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि संजू सैमसन को भी नहीं मिला है जगह। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 दोनों ही टीमों में जगह नहीं मिली है। वहीं फ्रेंड्स वनडे टीम में कियास भरत और ईशान किशन के बतौर विकेट कीपर जगह मिली थी, लेकिन वहीं T20 में ईशान किशन के साथ जितेश शर्मा को बतौर विकेट कीपर शामिल किया गया। हालांकि बांग्लादेश दौरे पर फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे और टीम से बाहर भी हो गए थे। वहीं फ्रेंड्स बात करें तो सीनियर खिलाड़ी T20 टीम से बाहर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को T20 टीम में जगह नहीं दी गई है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर युवाओं से सजी T20 टीम की कमान संभालेंगे। सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरी बार टीम का उप कप्तान चुना गया है। वहीं फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की बात करें तो हार्दिक पांड्या कप्तान, सूर्य कुमार यादव कप्तान, ईशान किशन विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, योजेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम माबी, पृथ्वी शाह, मुकेश कुमार हैं। यह है दोस्तों दोनों टीमों के T20 स्क्वाड फाइनल। फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।